कुछ ऐसे चॉकलेट्स भी हैं मार्केट में अवेलेबल करिश्मा, जो लोग पीएमएस के में खाते हैं और ये सोचते हैं कि वो उन्हें बहुत बेनिफिट करने वाला है, ये कितना सच है? मैं आपको यही बता रही थी एक्चुअली कि डार्क चॉकलेट जो होती है लाइक द कोको कंपाउंड, एग्जैक्टली द कोको कंपाउंड हैज अ लॉट ऑफ मैग्नीशियम इन इट। तो अगर हम ऐसी कोई भी चॉकलेट खाएंगे जिसमें कोको कंटेंट ज्यादा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 75%+ ऑफ कोको, 80% ऑफ कोको, वैसी अगर कोई डार्क चॉकलेट हमने खाई तो उसमें मैग्नीशियम हमें मिलता है क्योंकि उसका कोको कंटेंट हायर होता है। पर अगर हमने हमारी जो रेगुलर चॉकलेट्स होती है, जो ज्यादा जिसमें ज्यादा दूध का पाउडर वगैरह सब होता है, उसमें मैग्नीशियम नहीं होता। तो इफ यू डू वॉन्ट टू कंज्यूम चॉकलेट फॉर मैग्नीशियम, प्लीज मेक श्योर कि आप डार्क चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हैं। 70, 75, 80% तक की डार्क चॉकलेट अच्छी टेस्ट भी करती है और उसमें आपको कंटेंट आपका मैग्नीशियम का भी मिल जाएगा। सो दिस इज अ गुड वे ऑफ हैविंग चॉकलेट इफ यू वॉन्ट टू।